जी हाँ दोस्तों, मानसून के समय और बारिश के समय आप अपने गाड़ी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारे सारे गाड़ी ऑनर्स जो होते हैं, कार ऑनर्स हैं, उनकी जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मानसून के समय आप अपने गाड़ी का ख्याल कैसे पूरी तरीके से रख सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, यू विल हैव अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउ टू मेंटेन योर कार ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक कि कैसे हम अपने गाड़ी को बरसात के मौसम में हम सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला, उस पॉइंट्स को अगर आप लिख सकते हैं तो लिख ले, दिमाग में रखना चाहते हैं रख ले, लेकिन इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपकी गाड़ी की लाइफ और गाड़ी का मेंटेनेंस ड्यूरिंग द विंटर रेनी सीजन बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने गाड़ी की जो वाइपर ब्लेड है उसका पूरा का पूरा ख्याल रखें। वाइपर ब्लेड को पूरी तरीके से फिजिकली आप इन्वेस्टिगेट करें, कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर कहीं से कटा फटा है तो बिना किसी सोच समझ के आप उसे रिप्लेस कराएं, रिप्लेस, क्योंकि अगर वो कटा हुआ रहेगा, वाइपर ब्लेड अगर सही कंडीशन में नहीं होंगी, तो जब आप व्हीकल रन करेंगे बारिश के मौसम में, तो उस टाइम पे जो विजिबिलिटी होगी आपकी गाड़ी की, विंडशील्ड की जो विजिबिलिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप वाइपर ब्लेड जो है उसको रिप्लेस करें अगर आपका वो ब्लेड सही नहीं है। दूसरा, पहले इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वाइपर ब्लेड में वाइपर ब्लेड शैम्पू ही यूज करें, आप नॉर्मल शैम्पू यूज ना करें, क्योंकि नॉर्मल शैम्पू की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। और जो रिकमेंडेड शैम्पू है वो आप यूज करेंगे तो आपकी वाइपिंग भी प्रॉपरली होगी और किसी भी तरीके की ग्लास के ऊपर स्क्रैच मार्क्स नहीं होंगे। दूसरा सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आप अपने टायर का अलाइनमेंट प्लस टायर प्रेशर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। अगर आप टायर प्रेशर मेंटेन नहीं रखेंगे तो टायर में जो है आपके श्रिंकेज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें टायर, उससे क्या होता है, रनिंग कंडीशन में रिम भी आपकी क्षतिग्रस्त हो सकती है, आपके रिम भी टेढ़ी हो सकती है। तो पहला पॉइंट आपका है वाइपर ब्लेड रिप्लेस करें अगर डैमेज है तो, वाइपर रिकमेंडेड शैम्पू ही यूज करें क्योंकि ग्लास की विजिबिलिटी अच्छी हुई, प्लस उस पर स्क्रैच किसी भी तरीके नहीं आएंगे। टायर प्रेशर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, उसका अलाइनमेंट टाइम टू टाइम कराएं, यानी व्हील अलाइनमेंट जो है, व्हील अलाइनमेंट जो है टाइम टू टाइम आप कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसी को ऑन रखना ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द व्हीकल, यू हैव टू स्विच ऑन और योर एसी। आपको अपनी एसी, जब बारिश के मौसम में जब अगर गाड़ी आप रन करते हो तो आप अपने एसी को ऑन कर दो, ड्राइवर को बोले, खुद चला रहे हैं आप एसी को ऑन कर दें, और उसका जो फ्लो है विंडशील्ड की तरफ रखें ताकि जो फॉग अंदर की तरफ जो जमा हो जाता है बारिश की वजह से, उससे आपकी विजिबिलिटी नहीं होती। तो जब आप एसी ऑन रखेंगे और एसी ऑन करके जब विंडशील्ड की तरफ उसका फ्लो रखेंगे तो ग्लास बिल्कुल क्लीन होगा और विजिबिलिटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी और आपको क्लियर सब चीज दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप टायर ग्रिप पर विशेष ध्यान दें। जो टायर ग्रिप होता है, जो टायर के अंदर जो ग्रिप बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा नए टायर बोलते हैं, नए टायर का ग्रिप काफी अच्छा है, तो टायर ग्रिप के ऊपर विशेष ध्यान दें क्योंकि टायर ग्रिप अगर प्रॉपर नहीं होगा तो बारिश के मौसम में एक्सीडेंट, यानी व्हीकल के स्कीड होने के, टायर के स्कीड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपने टायर के ग्रिप को प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। अगर आपके टायर के अंदर ग्रिप नहीं है तो प्लीज आप उसे रनिंग हाई स्पीड से ना चलाएं, अदरवाइज आप गाड़ी के टायर को रिप्लेस करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑलरेडी मैंने अपने दूसरे वीडियो में बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि ऑयल लेवल, इंजन ऑयल का जो लेवल है आप चेक करते रहें, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि बारिश का मौसम है ऑयल लेवल जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादा जल्दी खत्म होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑयल का लेवल जो है प्रॉपर तरीके से हमेशा मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब भी गाड़ी रन करती है, इंजन रन करती है, कंबसन होते हैं, तो उस समय ऑयल का यूज होता है, ऑयल हमारा यूज प्रॉपर तरीके से होता है, जैसे पहले भी होता था, जैसे गर्मी के दिनों में होता है, जैसे ठंडे के दिनों में होता है, जैसे आपके बरसात के दिनों में होता है। तो ऑयल का, इंजन ऑयल का लेवल आप हमेशा चेक करते रहें,
चेक कैसे करना है, मैंने एक इस पे वीडियो पूरे डिटेल्स में बना रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे लिंक दे रखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कूलेंट का लेवल भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, इसका लेवल चेक करना है। टॉपअप कैसे करना है ये मैंने अपने पुराने वीडियो में मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैंने डाल रखा है, वहां पे देख सकते हैं ऑयल का और कूलेंट का लेवल कैसे चेक करना है, उसको टॉपअप कैसे करना है। नेक्स्ट है आपको, आप एक चीज गाड़ी को लेकर के एक आदत बना लीजिए, कहीं भी अगर आप जा रहे हो ना तो गाड़ी को पहले वार्म अप होने दीजिए, 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक गाड़ी को वार्म अप होने दीजिए। वार्म अप होने का मतलब आप इंजन को रन कर ऑन कर दीजिए और 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है पूरी तरीके से सर्कुलेट हो जाती है, कूलेंट जो होते हैं पूरी तरीके से सर्कुलेट हो जाते हैं, तो व्हीकल आपकी स्मूथ रन करती है। तो बेटर होगा कि आप इसे आदत बना ले, कहीं भी गाड़ी ले जाने से पहले 5 मिनट तक उसको वार्म अप कराएं। जैसे अगर हम जिम में जाते हैं तो जिम में जाकर हमें वार्म अप करना होता है ताकि बॉडी के अंदर जो मोशन है वो क्रिएट हो जाए, उसी तरीके से हमें व्हीकल्स को वार्म अप करना जरूरी होता है। उसके अलावा जो है सबसे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी जो एक्सेसरीज हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हम लगाते हैं, उसको कभी लोकल दुकानदार से ना लगाएं, लोकल टेक्नीशियन से ना लगाएं, हमेशा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड एक्सेसरीज ही लगाएं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लोकल टेक्नीशियंस वायर को कट करके आपके लोकल एक्सेसरीज लगा देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि बारिश के मौसम में उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर इनकेस अगर आपका वायर लीक हो गया तो, इनकेस आपका वायर नंगा रह गया तो इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो एक्सेसरीज हैं, म्यूजिक सिस्टम है, आपका पावर विंडो है, आपकी फॉग लाइट्स है, ये सारे सर्विस सेंटर पे या ऑथराइज सेंटर पे ही आप रिप्लेस कराएं। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड योर व्हीकल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सर्विस की जो शेड्यूल है, सर्विस शेड्यूल जो हमसे हम पीरियोडिक सर्विस बोलते हैं, आप उसे टाइम टू टाइम कराते रहे। बहुत लोग होते हैं कि बरसात के मौसम में शेड्यूल सर्विस शेड्यूल आया हुआ है और बोलते हैं बारिश के बाद कराएंगे, जितना गंदा होना है होने दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बारिश के मौसम में गाड़ी को जितनी बार वॉश करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम कंटिन्यूसली अगर आप गाड़ी को बिना धोए या रनिंग कर मिला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे रस्ट लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आपकी अगर सर्विस शेड्यूल है तो आप सर्विस शेड्यूल कराएं, ये ना देखें कि बारिश का मौसम है तो हम बारिश के बाद कराएं, इससे आपके गाड़ी को नुकसान है, आपकी गाड़ी की हेल्थ को नुकसान है। दूसरी सबसे चीज की अगर सपोज आपको सर्विस शेड्यूल नहीं भी है, आपका सर्विस का टाइम नहीं गया है, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस सेंटर्स हैं, बहुत सारे आप अपने सर्विस सेंटर से भी अप्रोच कर सकते हैं कि वो जो रेनी टाइम होता है, जो रेनी सीजन होते हैं, वहां पे वो कैंप लगाते हैं आपके फुल हेल्थ चेकअप के लिए, कार के हेल्थ चेकअप के लिए, वहां पे अगर अपने गाड़ी की चेकअप करवा सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी बनी रहे। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा 10 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखेंगे तो बारिश के मौसम में आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पॉइंट नहीं मेंशन किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।